खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आजादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूले आई इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यूपी के झांसी में देंगे कई सौगातें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा दलितों के घर पिए चाय। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। सपा मुखिया का ऐलान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफाई करेंगे उद्घाटन। सकरण में कमीशनबाजी को लेकर भड़के प्रधान, किया धरना प्रदर्शन। प्रधान संघ गोंदला मऊ की 25 नवंबर से असहयोग आंदोलन की चेतावनी। सदर तहसील में राज्य महिला आयोग सदस्य 17 नवंबर को करेंगे सुनवाई। महमूदाबाद पुलिस ने वांछित 25,000 के इनामी अभियुक्त को दबोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यूपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर झांसी आ रहे हैं। झांसी किले में उनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। एक भव्य मंच बनाया जा रहा है। झांसी में पीएम कई घोषणाएं करेंगे जिनमें झांसी के लिए भी कई तोहफे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC एल्यूमनी एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे और एसोसिएशन के पहले सदस्य बनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह अपने गांव में दलितों के घर जाएं और उनके साथ चाय पिएं। उन्हें समझाएं कि मतदान जातिवाद, क्षेत्रवाद और पैसे के नाम पर ना करें बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर आजादी की लड़ाई लड़ी, तब देश को स्वतंत्रता मिली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गुंडाराज का खात्मा हुआ है, प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सोमवार को लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। जन निगम भर्ती घोटाले में आरोप की पेशी के बाद दोपहर को वो सीतापुर जेल वापस आ गए। वह विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे के निर्देश पर कोर्ट में पेश हुए थे। आजम खान पर आरोप है कि सपा सरकार में उन्होंने जल निगम में 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता, 335 लिपिक, 32 आंसू लिपिकों की भर्ती नियम विरुद्ध करके बहुत बड़ा घोटाला किया था। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए सपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। सपा मुखिया ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जितने जिलों से होकर गुजर रहा है उस हर जिले में 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुष्प वर्षा करके अपने इस जनहितकारी काम का सांकेतिक उद्घाटन करेगी। लखनऊ में सोमवार की दोपहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए।
मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जनपद स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित कराएं। बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी पात्र कर्मचारियों एवं रसोइयों को योजना के विषय में अवगत कराते हुए उनका पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने सभी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। ब्लॉक सकरन मुख्यालय पर सोमवार को प्रधान संघ अध्यक्ष की अगुवाई में कमीशनबाजी के विरोध में प्रधानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रमुख प्रतिनिधि अजय वर्मा ने भी धरने में पहुंचकर प्रधानों का समर्थन किया। सोमवार को हमारी योजना हमारा विकास के तहत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 2 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण सम्पन्न होना था, लेकिन प्रशिक्षण के बजाय भ्रष्टाचार व कमीशनबाजी का विरोध करते हुए प्रधान नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रधान संघ के अध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी ने बताया कि सकरन ब्लॉक में भ्रष्टाचार इस कदर है कि किसी भी कार्य के लिए पंचायत मित्र से लेकर पीडीओ तक कमीशन देना पड़ रहा है, जिसके चलते कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रधान संघ गोंदामो द्वारा खंड विकास अधिकारी को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व में अपनी निम्नलिखित मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए उस पर क्रियान्वयन के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, परंतु समयावधि समाप्त होने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा संगठन की किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण मजबूर होकर आज एक दिन का कार्य बहिष्कार पुनः मांग पत्र सौंपा जा रहा है। यदि इसके बावजूद भी हमारी मांगों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई, तो 25 नवंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में काम बंद करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाए जाने तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम व त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल 17 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तहसील सदर के सभागार में जन सुनवाई करेंगी। यदि किसी महिला को कोई शिकायत है तो वह महिला अपनी शिकायत तहसील सदर के सभागार में उपस्थित होकर दर्ज करा सकती है। आरएमपी महाविद्यालय के एनएसएस तथा एससीसीसी के संयुक्त तत्वाधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आरएमपी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया, 17 नवंबर को प्रातः 11 बजे महाविद्यालय के लोहिया सभागार में ऐसे सभी छात्र छात्राओं को मतदाता फॉर्म भराया जाएगा जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 साल पूरी हो रही है। ऐसे छात्र छात्रा एक फोटो, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट व माता या पिता के वोटर कार्ड की छाया प्रति लेकर समय से महाविद्यालय पहुंचे। जागरूकता रैली शहर में भ्रमण करते हुए पुनः महाविद्यालय पहुंची। रैली का संयोजन डॉक्टर सानली साहनी तथा डॉक्टर विजय प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर अभिषेक दुबे, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार यादव, डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य तथा डॉक्टर देवव्रत सिंह ने रैली का निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया। सोमवार को सीतापुर संसदीय क्षेत्र खैराबाद के डीजे कॉलेज मैदान में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा व विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष अतिन मेहरोत्रा रहे। मीडिया प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि जिला संयोजक एवं जिला महामंत्री रोहित सिंह, सुधीर गुप्ता, संदीप अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, अमन विक्रम सिंह, जुबेर अंसारी, हृदयानंद दीक्षित, ईओ नगर पालिका परिषद हृदयानंद उपाध्याय, राज शर्मा, जिला व्यायाम शिक्षक आशीष पांडे, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनूप विश्वकर्मा, नीरज वर्मा झल्लर, विष्णुपाल, जिला युवा कल्याण अधिकारी अनिल सिंह, अपूर्व अग्रवाल, जितेंद्र वर्मा, सोमेश्वर प्रबंधक डीजे इंटर कॉलेज, उमेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, ब्रजेश चंद पांडे व प्रधानाचार्य मौजूद थे। 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के असॉल्ट मैदान पर 22वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्यजोन की शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता 2021 का उद्घाटन मुख्य अतिथि सेनानायक अखिलेश चौरसिया द्वारा किया गया। प्रतियोगिता 20 नवंबर तक चलेगी। इसमें कुल 9 पीएससी मध्यजोन की वाहिनियों की टीमों ने हिस्सा लिया है। अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर ने निर्धारित सभी बाधाओं को पार करते हुए सर्वाधिक 201.5 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान लाते हुए चल बजंती पर कब्जा जमाया। इस मौके पर एडिशनल एसपी आयुध भंडार आशीष राठौर, शिविर पाल वीरेंद्र बहादुर, राजेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, राम इकबाल सिंह, आलोक तिवारी, जयचंद शर्मा मौजूद थे। महमूदाबाद पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त कौशल कुमार पुत्र लोकराम निवासी अतरौली थाना महमूदाबाद को अवैध तमंचा, कारतूस व जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्त
चोरी नकबजनी जैसे अपराध में संलिप्त रहा है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना साक्ष्य संकलित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब निष्कर्षण बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने अपने इलाके में चेकिंग के दौरान 210 लीटर अवैध शराब व एक भट्टी बरामद की है। मौके से 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। थाना तोम्बा पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किए गए जिला बदर अभियुक्त सतीश पुत्र घनश्याम निवासी रोहा चांदी थाना तंबौर को गांजा तिराहा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध यूपी गुंडा निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। विकासखंड सकरण के तारापारा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मनमानी सामने आई है। 4 माह से गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को खाद्यान्न वितरित नहीं किया जा रहा है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 माह से एक बार भी खाद्यान्न नहीं मिला, जिसकी शिकायत महिलाओं ने ब्लॉक स्तर पर की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हौसले बुलंद होते रहे हैं। नैमिष तीर्थ अवध प्रांत का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां विभिन्न सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक कार्यालय बनाया जाएगा, जिससे सीतापुर जनपद ही नहीं वरन पूरे प्रांत का फायदा होगा। यह बातें अवध क्षेत्र के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर ने कही। नैमिषारण्य तीर्थ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन कल्याण न्यास लखनऊ द्वारा रोडवेज बस अड्डा के निकट कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सोमवार को आचार्य सर्वेश शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य नवीन कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन क्षेत्र प्रसार प्रमुख नरेंद्र, प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, जन कल्याण न्यास के अध्यक्ष प्रेमनाथ चावला, प्रांत संपर्क प्रमुख जयवीर, विभाग प्रचारक बैरिस्टर बाबू, सांसद अशोक रावत, जिला कारवा उमाकांत ने संपन्न कराया। प्रांत प्रचारक कौशल किशोर ने कहा कि इस भवन में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे ने मंच पर उपस्थित साधु संतों और सम्मानित जनों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कार्यक्रम में आरएसएस के विष्णु दत्त, राजकुमार उमाकांत, राकेश सेठ, कृष्ण कुमार आशीष, खंड कार्यवाह सचिन पांडे, वीएचपी जिला मंत्री महेश तिवारी, विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, हरगांव विधायक सुरेश राही, बिस्मा विधायक महेंद्र यादव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, साकेत मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, मिश्रिक एसडीएम मितेश त्रिपाठी, कोतवाल विनोद मिश्रा, राजकुमार सोनी, भरत त्रिपाठी, यतीन्द्र अवस्थी, सचिन मिश्रा, भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, कमलाकांत, विनीत मिश्रा, रामगोपाल अवस्थी आदि मौजूद थे। तंबौर क्षेत्र के रायमरोड़ में कटान रोको संघर्ष मोर्चा बैठक हुई, जिसमें भयंकर बाढ़ के कारण फसल हानि, कटी जमीनों का मुआवजा, टूटी हुई सड़क, राशन कार्ड आदि पर चर्चा हुई। फसल हानि सर्वे में अभी तमाम लोग छूट गए हैं, इसको लेकर सभी ने यह तय किया कि हम सभी तहसील स्तर पर चलकर अपनी समस्याओं को उप जिलाधिकारी को बताएंगे। इस मौके पर रामपाल, लक्ष्मी नारायण, विनोद पाल, राम खिलावन, कल्लू राम, सुनील राज, कमल किशोर, प्रेम रामकली, श्रीराम, दीपक राज, मनोज राज, शमशेर पैरू, रमेश रामलखन, राम भरोसे आदि मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार से विकास भवन के सामने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान कहा गया कि जनपद में धान खरीद केंद्र पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। मनरेगा योजना में दिए गए पशु बाड़ों में घोटालों के समेत कई बिंदु प्रदर्शनकारियों ने उठाए हैं। इस मौके पर काशीराम भार्गव, सुबी खान, गया प्रसाद भार्गव, अत्यदीप भगवान दीन, गंगेश यादव, ब्रजमोहन राजवंशी, कमलाकांत मिश्रा, पार्वती देवी, यशोदा गोकुल, जाकिर हुसैन, कल्लू सिंह, ब्रजेश सिंह, भरत सिंह, राजा बाबू आदि मौजूद थे। बेहटा मंडल भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान के तहत कैंप का आयोजन रेवसा मोड़ तंबौर में किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप जायसवाल, मंडल महामंत्री गौतम चौरसिया, मंडल उपाध्यक्ष शिव भगवान वर्मा, मंडल मंत्री हरिओम रस्तोगी व हरिओम जायसवाल, मंडल कार्य समिति सदस्य लवकुश चौहान, गुड्डू वर्मा, आलोक वर्मा, सेक्टर संयोजक प्रदीप तिवारी, मोहित रस्तोगी, दीपक यज्ञसैनी, मंडल कार्य समिति सदस्य मौजीलाल, विजय वर्मा, राजेश जायसवाल, पुरुषोत्तम चौहान आदि मौजूद थे।
सामाजिक समरसता अभियान के तहत सोमवार को भाजपा द्वारा अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत रही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुसूचित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव प्रयास किया है। इस सरकार में हर वर्ग में समानता रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अश्विन मेहरोत्रा, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल रावत, रमेश भार्गव, अनिल भार्गव, अजय भार्गव, राहुल वाल्मीकि, पूर्व मंत्री रामेश भारती, माया देवी, डॉक्टर लालजी भार्गव, प्रेम कुमारी, राहुल भार्गव, संजय राजवंशी, परमेश्वर भार्गव, रोहित सिंह, विश्राम सागर राठौर आदि मौजूद थे। सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर रिक्शा चालकों को भाजपा का सदस्य बनाया गया। दिन में लगभग 200 रिक्शा चालकों को भाजपा का सदस्य बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हर वक्त हितैषी रही है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष युविका गुप्ता, निधि सिंह, आशा शर्मा, मंजू सिंह, मंडल अध्यक्ष इंदु श्रीवास्तव, हेमा दीक्षित, जिला मंत्री कंचन वाजपेयी, मंडल अध्यक्ष नीतू सिंह, जिला मंत्री संध्या सिंह, निशा रावत आदि मौजूद। ब्लॉक मचरेटा की ग्राम पंचायत बहादुरपुर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा विषय पर वर्ल्ड विजन संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। वर्ल्ड विजन के मैनेजर सुनील कुमार रायका ने कहा कि सभी बच्चों को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। इस दौरान पूरे गांव में रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बालक बालिकाओं ने हाथों में बाल विवाह को रोके जाने, लड़का लड़की में भेद न करने व सभी को शिक्षा अनिवार्य लिखी हुई तख्तियां लिए हुए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर संस्था के जिला वितरण ऑफिसर विजय कुमार जांगड़े व स्पॉन्सरशिप ऑफिसर दलवीर सिंह व प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका आशा बहू आदि मौजूद थे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर क्षेत्रीय अग्रणी शिक्षण संस्थान एसआर पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं ने भारत की आजादी के गौरवशाली इतिहास और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में विस्तार से विचार प्रकट किए। विद्यालय के प्रबंधक प्रमोद कुमार मिश्रा ने भारत की आजादी के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्रबंधक प्रमोद मिश्रा ने बताया कि भाषण प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को कल मंगलवार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव, पूर्व ग्राम प्रधान रमेश वर्मा, शाखा प्रबंधक श्रीराम भार्गव आदि मौजूद थे। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के कुचैरा बंगला निवासी किसान सुशील कुमार ने अपने खेत में नलकूप लगवाया था, जिसमें विद्युतीकरण का काम चल रहा था। आरोप है कि इसी बीच किरतापुर गांव निवासी नागेंद्र, सोनू, विवेक, त्रिलोकी क्षेत्र के संदीप व मोहित ने मिलकर लगाए गए पोलों को तोड़कर गिरा दिया। मना करने पर पीड़ित को लाठियों से मारने के लिए दौड़ा लिया। पीड़ित ने उपखंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित कोतवाली में शिकायत की है। विश्व के पत्थर शिवाला प्रांगण में सोमवार को जीएसटी पंजीयन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जीएसटी रामाशीष मौर्य ने जीएसटी पंजीयन को लेकर व्यापक चर्चा करते हुए व्यापारियों को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी। उन्होंने व्यापारी दुर्घटना बीमा, छोटे एवं मंझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना, सरल रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया के अलावा 5 करोड़ तक वार्षिक व्यापार करने वाले व्यापारियों के त्रिमासिक रिटर्न के संबंध में भी जानकारी दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नीरज शुक्ला, वाणिज्य कर अधिकारी श्रीराम, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल, महामंत्री अनिल रस्तोगी, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता आदि मौजूद थे। मचरेटा में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कार्यक्रम के तहत बहोरनपुर, राठौरपुर, बरचंदपुर, केशरा, मिर्जापुर आदि गांवों का भ्रमण कर प्रियंका गांधी द्वारा की गई घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाया गया। पद यात्रा में सुभाष राजवंशी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस, शकील खां, ब्लॉक अध्यक्ष मचरेटा, सरताज अली जिला सचिव, भारत सिंह, जसकरण राजवंशी, विपिन राजवंशी, सोनू राजवंशी, संतराम, अनुराग आदि मौजूद थे। गाँव गरीब मजदूर महिलाएं जब तक विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाती तब तक हम दम नहीं लेंगे। यह बात निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद ने लखीमपुर जाते हुए सिधौली के बिस्वा चौराहे पर अपने समर्थकों के मध्य कही। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए भी कृत संकल्प है। इस मौके पर राजेश कश्यप, जिलाध्यक्ष राजू कश्यप, बाबा बैजनाथ कश्यप, सुधीर कश्यप, अवनीश वर्मा, शिवपाल कश्यप, कुलदीप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, जवान सिंह, डॉक्टर अरविंद वर्मा, संतोष यादव, सुनील वर्मा, हरिश्याम कश्यप, कमल रावत, सुरेश मिश्रा, मौजीलाल कश्यप, सुनील कश्यप आदि मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा विभागीय सेवा नियमावली नियमित किए जाने, पदोन्नति और पदनाम पंचायत सेवक किए जाने समेत 5 सूत्री मांगों का जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विजय सिंह, संरक्षक प्रेम शंकर वाजपेयी, जिला मंत्री सुनील कुमार राज आदि मौजूद थे। सीतापुर सिटी रेलवे स्टेशन के निकट भगवानपुर में शुरू हुए पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने सबके लिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य के उद्देश्य से गायत्री महामंत्र में आहुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन टोली नायक अमरपाल मौर्य, संगीतकार अमरीश वर्मा व वादक अंकित कुमार की प्रज्ञा टोली द्वारा किया जा रहा है। यज्ञ की व्याख्या करते हुए यज्ञाचार्य अमरपाल मौर्य ने बताया, स्वाहा का अर्थ होता है किसी श्रेष्ठ कार्य, उच्च प्रयोजन, परमार्थ हेतु स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देना। मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, मंगलवार को यज्ञ से पूर्व प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से योगाभ्यास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत आने वाली साधन सहकारी समिति लिमिटेड नेवादा व कमलापुर समितियों में किसानों को डीएपी खाद प्रति आधार कार्ड पर किसान की आवश्यकता के अनुसार 1 बोरी व 2 बोरी के हिसाब से एडीओ कोऑपरेटिव कसमंडा प्रियंका तिवारी ने कराया। समिति नेवादा के सचिव गुड्डू वाजपेयी ने बताया कि जिले से 250 बोरी डीएपी मिली थी, जिसमें आज 150 बोरी डीएपी वितरित की गई है। शेष लगभग 100 बोरी का वितरण कल 16 नवंबर को किया जाएगा। इस मौके पर राजकीय कृषि बीज भंडार कसमंडा के एटीएम मोहित तिवारी मौजूद थे। सीतापुर में महोली की निवासी प्रदेश सचिव महिला सभा व सदस्य जिला पंचायत समाजवादी पार्टी चंद्रप्रभा कनौजिया, पत्नी राजेश कनौजिया के बेटे और बेटी कृतिका कनौजिया व समर्थ कनौजिया ने प्रदेश लेवल स्केटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता नोएडा में मेडल जीतकर परिवार और सीतापुर का नाम रोशन किया है। चंद्रप्रभा कनौजिया ने हर्ष व्यक्त किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष बिस्वा वरविंदर सिंह रिंकल की अध्यक्षता में मोहल्ला मगरिया बाजार में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम तथा राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सफाहुत हुसैन ने लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष भाजपा सुधाकर शुक्ला, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इंजीनियर समीर हसन रिजवी, जिला उपाध्यक्ष हनीफ अहमद, जिला मंत्री आमिर खान, आशुतोष वर्मा, शिवांग दीक्षित, आफ्ताब रशीद, सादाब सीबू, गुरमीत सिंह, हरचरणजीत आदि मौजूद थे। नैमिषारण्य के व्यासगद्दी स्थित श्रीनाथ जी हवेली में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन कथा व्यास धर्मेंद्र शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण सुदामा चरित का वर्णन किया। सुदामा चरित की जीवन कथा सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ रही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स, एनीवेयर, एनीटाइम।